हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उनको लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, आगे शेयर भी किया है और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स को पढ़कर, कमेंट्स को देख के कि आप और क्या क्या चाहते हो और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको मैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि आपकी रिक्वायरमेंट यानी आपके जो चाहत के वीडियो है वो आपके सामने मैं लेके आऊँ। दोस्तों, आज आप और हम लोग कहीं ना कहीं मिलके के दुनिया का एक सबसे खूबसूरत बिजनेस कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज एक और आपको एक जानकारी देने वाला हूँ जो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और ज़्यादा इसको तरक्की देगा, पावरफुल बनाएगा। दोस्तों, हम जब लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, कई बार आपने जैसा देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, हम जाते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, ना हमसे भाव देते हैं, ना हमारे को तवज्जो देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा अपलाइन है वो हमारे साथ जाता है, लोग उन्हें भाव भी देते हैं, उनको तवज्जो भी देते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है? देखो दोस्तों, मैं इस रास्ते पे, इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 13 साल से हूँ, 9 साल से AWPL के अंदर हूँ, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हूँ। तो 9 साल के इस प्लेटफॉर्म पे जो कंटिन्यू रात दिन जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है, वो नोटिस ये किया है कि अधिकतर लोग जो है खाली हाथ लौट के आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रेस कोड का सही नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, ड्रेस कोड का सही नहीं होना। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूं आपके लिए वो लेके आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ड्रेस कोड का होना जरूरी क्यों है। वैसे देखो, डायरेक्ट सेलिंग की बात ना भी करें, अपन लाइफ में हर एक बड़े काम के अंदर, हर एक उस संस्था का जिसमें हम काम करते हैं उसमें ड्रेस कोड का होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं एक आर्मी मैन था पहले, इस इंडस्ट्री से पहले, तो आर्मी की अपनी एक ड्रेस होती है। अगर आर्मी की ड्रेस इस बॉडी पे नहीं रहेगी तो अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा ये आर्मी का बंदा है या किसी फैक्ट्री में या किसी और जगह काम कर रहा है। पर ड्रेस कोड डाल लेगा मतलब ये भाई आर्मी वाला है। पुलिस वाले की भी ड्रेस कोड होती है, एक साधु महात्मा का भी एक ड्रेस कोड होता है, एक वकील जो एडवोकेट बोलते हैं उसका भी एक ड्रेस कोड होता है, एक हॉस्पिटल डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है, एक नर्स का भी ड्रेस कोड होता है। यानी कि जो जो लोग अपने फील्ड में काम करते हैं हर एक उसका ड्रेस कोड होता ही होता है। दोस्तों, आज हम भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं। अच्छा, ड्रेस कोड नहीं पहने तो फिर क्या होगा? चलो इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, समझ लो, एक एग्जाम्पल बताता हूं आज आपको मैं। एक कोई पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है जी, मतलब ये मान लो कि वो IPS एक अधिकारी है या उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो भी आपके पुलिस का एक बहुत बड़ा एक स्टारधारी का अधिकारी है, पर वो स्टारधारी ड्रेस ना पहन के सिंपल पैंट शर्ट जींस पहन के आ जाए और किसी भी गाड़ी वाले को हाथ दे रोड पे खड़ा होके, आप मुझे बताओ क्या गाड़ी रुकेगी? जी नहीं दोस्तों, आप बोलोगे सर नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं है जो हाथ दे रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, कि वो हाथ देने वाला कौन है, उसे मालूम ही नहीं है ड्राइवर को कौन हाथ दे रहा है, उसे बोल रहा है किसी को लिफ्ट चाहिए होगी इसलिए हाथ दे रहा है, वो रुकेगा नहीं। समझ गए मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी कि ड्रेस कोड नहीं पहनी, किसी पुलिस वाले ने हाथ देगा, बेशक पुलिस वाला है पर शरीर पर ड्रेस कोड नहीं है तो गाड़ी रुकेगी नहीं। पर हाँ, मैं बोलता हूं एक सबसे छोटे ओहदे का पुलिसकर्मी यानी सिपाही बोल देते हैं, एक सिपाही भी अगर वर्दी में आ गया पर ड्रेस पहन के आ गया, रोड पे किसी भी गाड़ी को हाथ दे देगा, यानी रेड लाइट लगी हुई है ना गाड़ी के ऊपर, अगर वो भी शू 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 करती हुई आ रही है, अगर पुलिस वाले ने हाथ दे दिया गाड़ी को ब्रेक लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रेस कोड है बॉडी के ऊपर। यस या नो? ये इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। अरे दोस्तों, आप मजाक समझोगे पर सच्ची बताता हूं आपको, एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। जो भीख मांगता है ना, रुपए 2 रुपए 54 अठन्नी 5 रुपए 10 रुपए, उसका भी ड्रेस कोड होता है। आज आप हम भीख मांगने जाएंगे, बुरा मत मानना, कोई हमें भीख नहीं देगा, झापट मार के साइड में कर देगा, इतना तंदुरुस्त आदमी भीख मांग रहा है। पर अगर हमारी ड्रेस कोड चेंज हो जाए, फटे पुराने कपड़े आ जाए, हाथों में पट्टी वट्टी बांध लें, बाल हमारे बिखेर लें, शरीर काला पीला कर लें, तो शायद कोई हमारे को 2-4 रुपए दे सकता है। तो वजह क्या बनी? वजह हम नहीं बने, हमारी ड्रेस कोड बन गई, हम भिखारी बन गए। तो वजह यह बनती है कि जब
जब इंसान की ड्रेस कोड चेंज होती है, बड़ा बदलाव होता है। तो आज आप और हम कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गए हैं, इस रास्ते पे आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। हमें नए लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों घर घर जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कई लोग हमें समझने के लिए हमारे पास में आते हैं। अगर का अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो और आपकी ड्रेस कोड सही नहीं है तो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। मैंने एक वर्ड बोला था, आपका सीनियर अपलाइन जाता है वो बंदा ज्वाइन हो जाता है, आप समझाते हो ज्वाइन नहीं होते। वजह कुछ भी नहीं है, सीनियर अपलाइन अपनी ड्रेस कोड में जाता है, आप ड्रेस कोड में नहीं गए। दोस्तों ये बहुत बड़े मायने रखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रेस कोड जो मैंने बताई अहमियत मैंने बता दी आपको, अब बताऊंगा ड्रेस कोड होनी कैसे चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे बिजनेस की ड्रेस कोड सिंपल है। सिंपल प्लेन शर्ट हो, सिंपल प्लेन पैंट हो, सिंपल ब्लैक शूज हो, लेस वाले जिसे लेस बनते हैं जूते के, वो जूते वाले हो, सिंपल सॉक्स हो, सिंपल टाई हो, सिंपल ड्रेसअप हो। कहीं आपको कोट पैंट, कहीं आपको राजा महाराजा ड्रेसें, या कहीं आपको महंगी महंगी जींस नहीं पहननी। हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई, महंगी महंगी जींस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो 5,000 की ड्रेस यानी कि जींस पहन के गया था, मेरे साथ नहीं हुई। अरे भाई, ड्रेस कोड में नहीं है जींस। जींस तू घूमने जा रहा है कहीं गोवा मनाली तो उसमें काम आएगी, कहीं और कहीं जा रहा है शॉपिंग करने वहां काम आएगी, पर तू बिजनेस समझाने जा रहा है तो बिजनेस की ड्रेस कोड सिंपल पैंट, सिंपल टाई, सिंपल जूते, सिंपल शर्ट होना चाहिए, तब जाके काम करेगा आपका। दूसरी बात, आपने एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, ड्रेस कोड से और क्या ताल्लुकात रखने वाले, ड्रेस कोड किस मैचिंग की होनी चाहिए। अगर आपकी पैंट डार्क है तो शर्ट हमेशा लाइट होना चाहिए, यानी ब्लैक पैंट है तो शर्ट आपका या तो लाइट क्रीम हो या वाइट शर्ट हो सबसे बेस्ट है, या नेवी ब्लू हो या लाइट ब्लू हो तो यानी सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर डार्क पैंट है तो आपका लाइट शर्ट होना चाहिए। आपका बेल्ट किस कलर का होना चाहिए, जिस कलर के आपके शूज हैं, जो जूते जिस कलर के हैं उस कलर के बेल्ट होने चाहिए। मैं बहुत लोगों से देखता हूँ, जूते उन्होंने पहन रखे हैं ब्राउन कलर के और बेल्ट लगा रखा है ब्लैक कलर का, या ब्लैक कलर के जूते पहन रखे हैं और ब्राउन कलर का बेल्ट लगा रखा है, वो ड्रेस कोड नहीं है दोस्तों। मैचिंग होनी चाहिए। आपके सॉक्स कैसे होने चाहिए ये बताता हूँ आज आपको मैं। सॉक्स आपकी पैंट के कलर के होने चाहिए, जिस कलर की आपने पैंट पहन रखी है। अगर आपकी ब्लैक पैंट है तो ब्लैक आपके सॉक्स होने चाहिए, जिस तरीके के पैंट है उस तरीके के आपके सॉक्स होने चाहिए। और जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन शर्ट और पैंट का, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ड्रेस कोड को बोलते हैं कि मैग्नेटिक है। क्या है मैग्नेटिक? मैग्नेटिक मतलब जैसे मैग्नेट होता है और लोहा पास आता है चिपक जाता है ना, वैसे ड्रेस कोड इंसान का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही वो लोहा पास आएगा चिपक जाएगा उसके साथ में। मेरा कहने मतलब समझ रहे हो, आप बिजनेस की बात करने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, जब तक आपका मैच नहीं करेगा लोग ज्वाइनिंग नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर ये बड़े बड़े लोग हैं ये तो कोई ड्रेस कोड नहीं रखते। अरे भाई, बड़े बड़े लोग बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उनका ड्रेस कोड कुछ भी पहन लेंगे वो फैशन बन जाएगा, पर आप हम ऊंचाइयों पे नहीं है, हमारे लिए इतनी इतनी सी बात भी मायने रखती है। मेरी बात समझ रहे हो, अमिताभ बच्चन कुछ भी पहने, वो अगर नेकर में आ रहा है ना तो नेकर उसका फैशन बन जाएगा, वो फटी जींस में भी आ रहा है ना उसका फैशन बन जाएगा, पर आप हम फटी जींस पहनेंगे तो हमारे लोग मजाक उड़ा देंगे, क्योंकि तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हमारे कपड़े ढंग के नहीं होते। तो आज के बाद में टी शर्ट में जींस में ये कभी भी बाहर ना जाएं, ना किसी को प्लान समझाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा करोगे तो शायद बड़ा काम बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं आ पाएगी। हाँ, जींस कब पहनो, घूमने जा रहे हो तब पहनो, शॉपिंग करने जा रहे हो तब पहनो, किसी रिलेशन के शादी में जा रहे हो तब पहनो, कोई टेंशन नहीं है, पर बिजनेस के लिए बिजनेस की वर्दी आपके शरीर पे होनी चाहिए। तो ड्रेस कोड मैग्नेट है, ड्रेस कोड चुंबक है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कई लोग तो ऐसे ऐसे आते हैं मेरे साथ मिलते भी हैं, कई लोग आते हैं महारती आते हैं जिनके सॉक्स इतनी सुगंध देते हैं जो सोच भी नहीं सकते। सुगंध समझ रहे हो ना मेरी बात? आप सब समझदार हो, सही है भाई साहब, मत गलतियां करो। ये सॉक्स बड़े महंगे नहीं आते, मतलब अच्छे से अच्छे सॉक्स एडिडास के भी अगर मान ले अपन तो 150-200 रुपए के आ जाते हैं, रिबोक के 200 रुपए के आ जाते हैं, या मैं कोई नॉर्मल अगर सूत कॉटन के सॉक्स बात करूं 100 रुपए के आ जाते हैं, पर वो सॉक्स आपके जो है बदली क्या करो डेली, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो फटे हुए सॉक्स पहन के घूम जाते हैं, बोला सॉक्स कौन देख रहा है? अरे कोई नहीं देख रहा भाई, तू तो खुद देख रहा है ना, तेरी आंखें देख रही ना, तेरा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। जिस दिन तेरे अच्छे कपड़े होंगे याद रखना कॉन्फिडेंस
ऊपर रहेगा। रुमाल, हैंडकरचीफ जो बोलते हैं रुमाल, ये भी बिल्कुल व्हाइट कलर की आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए डेली जेब के अंदर, यूज हो चाहे ना हो। कई लोग रुमाल ही रखते जी बोले यूज नहीं होती, अरे भाई नहीं होती कोई बात, रख तो सिर्फ जेब में, क्या पता किसी घर पे जाके बैठा है, किसी मीटिंग बैठा है, गलती से तेरे हाथ पे कुछ गिर गया, चाय का कप ही गिर गया मान लेते हैं गलती से, क्या बोलेगा भाई साहब कपड़ा देना, भाई साहब रुमाल देना, क्यों भाई तेरी कहाँ है। सी, ये ड्रेस कोड के अंदर है। तो दोस्तों ड्रेस कोड ये इंपॉर्टेंट रोल सक्सेसफुल पर्सन के लिए, तो इंपॉर्टेंट, अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो अपनी वर्दी जरूर चेक करना है। हाँ कब करना है, जब बिजनेस के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो पक्का करना है। मैं ये नहीं कह रहा घर में हो तो भी आप कोट पेंट में रहो या सिंपल पेंट शर्ट में रहो, पर बिजनेस के लिए जा रहे हो तो पक्का आपके हाथ में रहो, क्योंकि ड्रेस कोड सबसे बड़ा मैग्नेट है इस इंडस्ट्री का, सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। अच्छी ड्रेस कोड होगी चिपक जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, आने वाले टाइम में और बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।